मॉर्निंग मित्रों, आप सब कैसे हो? मजे में होगे ना? तो आज हम फिर से हिंदी विषय में, कल जो हमने सीखा था वर्णमाला, पाठ एक में वर्णमाला स्वर सीखा था ना, तो आज हम पाठ दो वर्णमाला व्यंजन सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखो, हमें यहाँ पे जो व्यंजन दिए गए हैं उनको क्या करना है, हमें अनुरेखण करना है। क्या करना है? अनुरेखण। तो यहाँ पे देखो, मैं अनुरेखण करूँगी, आप देखो, बाद में आपको अपनी नोटबुक में करना है। क्या करना है? अनुरेखण करना है व्यंजन को। यहाँ पे देखो, क है, क, क से कमल होता है, तो क को हमें यहाँ पे अनुरेखण करना है। अनुरेखण यानी गुजराती में क्या कहते हैं हम, आगे से गए हैं, घुटन, घुटना ऐसे बोलते हैं ना गुजराती में। तो ये मैंने अनुरेखण किया क का, देखो, क कमल का, क, क से कमल हो गया। आगे देखो, ख है, तो ख से क्या होगा, ख से खरगोश, तो ये ख का अनुरेखण। हमें क्या करना है, सारे व्यंजन को अनुरेखण करना है। आगे क्या आएगा, ग है, तो ग का अनुरेखण कैसे होगा, देखो, ये ग, ग हो गया, ग। आगे देखो, घ है, घ से क्या होगा, घ से घर, ये हो गया अनुरेखण घ का। आगे आएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, अंग, अंग का इस्तेमाल वाक्य में या शब्द में नहीं होता है, ये सिर्फ जानने के लिए है, इसको क्या बोलते हैं हम, अंग, क्या बोलते हैं, अंग। आगे देखो, च, च का अनुरेखण कैसे होगा, देखो, आप ध्यान से देखो, और आपको भी करना है अनुरेखण अपनी नोटबुक में हिंदी की। आगे आएगा छ, छ का अनुरेखण देखो आप कैसे कर रही हूँ मैं, छ, छतरी का छ, हो गया। अब आगे देखो, झ, झ से क्या होगा, झ से जहाज, झ से जलेबी, झ से बहुत कुछ होता है, तो ये झ का अनुरेखण हो गया, हो गया। आगे देखो, झ, झ से क्या होता है, झ से झरना, और झ का अनुरेखण ध्यान से देखो कैसे करना है, ए झ का अनुरेखण हो गया। देखो फिर क्या है, इसको क्या हम कहेंगे, य, क्या कहेंगे, य, इसका भी प्रयोग हम वाक्य या शब्द में नहीं करेंगे, सिर्फ जानने के लिए है, ये इसको क्या कहेंगे, य, ए य है, क्या है, य, हो गया। अब हम आगे देखते हैं, य के पास क्या आएगा, तो ट, यहाँ पे देखो, ट, ट से टमाटर, तो टमाटर का ट जो है उसका अनुरेखण देखो कैसे करना है, कैसे करना है, ध्यान से देखो, ये ट, ट का हो गया अनुरेखण। फिर है ठ, ठ से क्या होगा, ठ से ठठेरा, तो ये ठ का अनुरेखण मैंने किया, वापस देखो, ये ठ है, क्या है, ठ। ये सारे के सारे व्यंजन हैं, वे आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। आगे देखो, ड, ड से क्या होता है, डमरू, तो ये ड का अनुरेखण कैसे करना है, देखो, ये है ड, क्या है, ड। आगे देखो, ढ, ढ से क्या होगा, ढ से ढकना होता है, और इसका अनुरेखण कैसे करती हूँ मैं, देखो, ये ढ हो गया, क्या हो गया, ये ढ बन गया, ढ। आगे देखो, अण, अण से कोई शब्द शुरू नहीं होता है, वो बाद में अण शब्द आएगा, तो उसका कौन सा शब्द हम ले सकते हैं, बाण, बाण में अण आता है ना, तो ये अण का अनुरेखण हो गया, बन गया अण। फिर आएगा त, त से
तलवार और तो का अनुरेखण देखो कैसे कर रही हूँ मैं, तो ये क्या बन गया तो, आगे देखो थ, ये बन गया थ, ये थ का अनुरेखण ध्यान से देखो कैसे करना है, ये बन गया थ, हो गया। आगे देखो द, द से दरवाजा होता है और ये द का अनुरेखण कैसे करना है, द का अनुरेखण देखो ध्यान से द, फिर द के बाद आएगा ध, ये ध का अनुरेखण हो गया। कैसे करना है ध, ये बन गया ध। आगे देखो न, क्या है आगे न, तो ये नल का न, न से नल होता है, तो ये न का अनुरेखण देखो ये बन गया न। कैसे बनता है न, देखो बन गया न। आगे देखो प, प से क्या होता है, प से पतंग, देखो प का अनुरेखण, तो ये बन गया प, बन गया प। देखो कैसे बनता है प, देखा आपने प, हो गया प। अब आगे देखते हैं प के बाद क्या आएगा, प के बाद फ, तो फ से क्या होता है, फ से फल, फटाके होता है ना, तो फ का अनुरेखण कैसे करना है देखो ध्यान से देखना, ये बन गया फ। और क में कितना फर्क है ध्यान रखना है आपको, फ कैसा होता है और क, ध्यान से देखो ये बन गया फ, क्या बन गया फ। आगे देखो ब, बकरी का ब, देखो ब का अनुरेखण मैं करती हूँ, ये बन गया ब, क्या बन गया ब, ध्यान से देखना, फिर वापस आपको लिखना है अपनी नोटबुक में। ब के बाद क्या आएगा, ब, देखो ब का अनुरेखण ब से भवरा होता है, ये बन गया भ का अनुरेखण। फिर है म, मगर का म, म का अनुरेखण देखो कैसे करती हूँ मैं, ये बन गया म। उसके बाद य, यति का य, देखो य का अनुरेखण कैसे कर रही हूँ मैं, ये बन गया य। उसके बाद आएगा र, ये र का अनुरेखण है देखो, र बन गया र। उसके बाद है ल आएगा, तो ल का अनुरेखण कैसे करना है हमें देखो ध्यान से देखो आप, ल वापस देखो, ल, ल का अनुरेखण हो गया, ध्यान दे, ध्यान से देखो, आपको भी अपनी नोटबुक में ल का अनुरेखण करना है। ल के बाद कौन सा अक्षर आएगा, तो व, तो देखो व का अनुरेखण कैसे कर रही हूँ मैं ध्यान से देखो, ये बन गया व, क्या बन गया व। व के बाद क्या आएगा, श, तो स का अनुरेखण आप देखो कैसे करना है हमें, ये श बन गया देखो ध्यान से, श हो गया श। उसके बाद क्या आएगा, श, षटकोण का श, इस श का अनुरेखण देखो आप, ये बन गया श, क्या बन गया श। उसके बाद क्या आएगा, श, इसका अनुरेखण देखो, ये बन गया हमारा श, हो गया। श के बाद क्या आएगा, ह, तो ह का अनुरेखण देखो ध्यान से देखो, ये बन गया हमारा ह, हो गया ह। उसके बाद आएगा श, क्षत्रिय का श, तो इस श का अनुरेखण ध्यान से देखो, श का अनुरेखण ये हो गया। उसके बाद क्या आएगा, ज्ञ, यज्ञ का ज्ञ, तो देखो इसका अनुरेखण हमें कैसे करना है, ये बन गया ज्ञ, बन गया ज्ञ। उसके बाद है त्र, त,
त्र कैसे लिखना है देखो, अनुरेखण इसका कैसे करना है, तो ये बन गया त्र। त्र का भी कोई शब्द नहीं बनता है पहले अक्षर से, वो त्र बाद में ही आएगा। तो पत्र, प पहले आएगा बाद में त्र, ऐसे पत्र। उसके बाद है स्र, तो इस स्र का अनुरेखण कैसे करती हूँ मैं देखो, ये बन गया स्र, बन गया स्र। यहाँ तक हमारा व्यंजन हो गया। आगे देखते हैं हम स्वाध्याय। स्वाध्याय में देखो सूचना में क्या लिखा है कि गुजराती और हिंदी वर्णों के सही जोड़े मिलाइए। क्या करना है, गुजराती व्यंजन दिए है और हिंदी व्यंजन दिए है, ये दोनों वर्णों को गुजराती और हिंदी को मिलाना है। गुजराती में क्या कहते हैं, जोड़ का जोड़ कहते हैं ना, वैसे करना है। यहाँ पे देखो मैंने जोड़ मिलाई है, तो गुजराती का ज दिया है तो उसका हिंदी ज कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखो मैंने जोड़ मिलाई है, गुजराती ज और हिंदी ज, वैसे ही भ, हिंद गुजराती भ है और ये हिंदी भ है, देखो हो गया। फिर है गुजराती का ख है और ये हिंदी का ख, हो गया जोड़ मिल गई। फिर है गुजराती का ल और ये हिंदी का ल, ये गुजराती का क है और ये हिंदी का क, ये गुजराती का फ है और इसको मैंने हिंदी के फ से मिला दिया है, हो गया। और आगे देखो ये भी अ विभाग और ब विभाग, इसमें भी जोड़ी मिलानी है गुजराती वर्णों और हिंदी वर्णों को, तो यहाँ पे देखो मैंने मिलाई हुई है। आप देखो ग, गुजराती का ग है, उसको मैंने हिंदी ग से मिला दिया है। गुजराती का छ है तो उसको मैंने हिंदी छ से मिलाया है। वैसे ही ट है, उसको भी ट से मिला दिया है। ये गुजराती का ठ है तो उसको मैंने हिंदी ठ से मिलाया है। वैसे ही ड है तो उसको मैंने हिंदी ड से मिला दिया है। फिर न है तो उसको मैंने न से मिला दिया है, तो हो गए जोड़े। फिर आगे देखो सूचना नंबर दो में क्या लिखा है, तो व्यंजन हिंदी में लिखे। व्यंजन को क्या कहा है, हिंदी में लिखना है। यहाँ पे हमें गुजराती में दिए है तो उसको हमें हिंदी में लिखना है। तो यहाँ गुजराती का क है तो हमें हिंदी का क लिखना है। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है क, उसके बाद ख है तो देखो मैंने हिंदी में ख लिखा है। उसके बाद हमें क्या दिया है यहाँ पे, घ, तो उसको मैंने घ यहाँ पे लिखा ही हुआ है। फिर है च, तो देखो च मैंने यहाँ पे लिखा है, लिखा है ना। उसके बाद झ लिखा है तो उसको मैंने हिंदी में ऐसे झ लिखा है। फिर यहाँ पे झ दिया है तो हिंदी का झ हमें लिखना है। फिर है ढ, गुजराती का ढ है तो उसको मैंने हिंदी का ढ यहाँ पे बाजू में लिखा है। फिर है गुजराती का अण, तो अण को मैंने हिंदी में यहाँ पे लिखा है। फिर आगे है गुजराती का द, तो उसको मैंने हिंदी में लिख दिया। फिर है ध, तो उसको भी मैंने हिंदी में लिख दिया है, देखो। फिर है पतंग का प, गुजराती का, तो उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है। फिर है गुजराती नो फ, उसको मैंने हिंदी में लिख दिया है फ। फिर है ब, बकरी नो ब है तो उसको हिंदी में मैंने लिखा है। फिर है ब, उसको भी मैंने हिंदी में लिख दिया है। फिर है म, तो म को भी मैंने लिख दिया है। फिर है गुजराती का य, तो उसको मैंने हिंदी में य लिखा है। आगे है ल, तो उसको भी मैं हिंदी में लिख देती हूँ ल। उसके बाद है व, तो उसको भी मैंने व लिख दिया है हिंदी में। यहाँ पे स गुजराती में दिया है तो उसको भी हम हिंदी में लिख देंगे। स और श हिंदी गुजराती में सेम ही है, देखो। फिर है ज्ञ, तो उसको भी मैंने हिंदी में लिख दिया है ज्ञ। तो आज हम यहाँ पे हिंदी विषय में जो पाठ दो हमने पढ़ा, वर्णमाला व्यंजन, वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो फिर हम कल मिलेंगे नए चैप्टर के साथ।